चलो भाई वेल हेलो एंड वेलकम गुरुलोक। देखो आज का अपना जो रिव्यू सेक्शन हो काफ़ी हटके है क्योंकि अपने पास हटके माल आया है जिसे देख अपन को भी काफ़ी मज़ा आया है। सो गुरु मे भी तुम्हें भी काफ़ी हद तक अच्छी ही लगे क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव है। डेविन वहीयो देखने के बाद मेरा वेब सीरीज के ऊपर मोमेंटम बना पाना बहुत ही आसान हो चुका है अब क्योंकि कुछ नया चीज़ें देखने के थॉट्स में ही मैं लगा रहता हूँ और कुछ ऐसी ही चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेशली रिव्यू सेक्शन पे आने के मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा तुम्हें, जस्ट थॉट करो कि आज से करेक्ट एक साल बाद तुम्हारी डेथ होने वाली है, तुम्हारी मौत का डेट साइन हो चुका है, तुम्हें पता है कि इस डेट पे तुम मरने वाले हो, तो तुम्हारी वो मौत तक की जर्नी कैसी होगी। स्पेशली हमसे जीत तक की जर्नी ही काफ़ी हार्ड होती है, तो सोचो जस्ट मौत तक की जर्नी कैसी होगी, कितना चुतियापा होगा उस जर्नी के अंदर कि घुट घुट के हर एक दिन रोए जाएंगे हम। सो कुछ इसी टाइप का मटेरियल इस सीरीज के भी अंदर है, बट स्पेशली और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हालांकि इस सबसे हट करके द मिड नाइट क्लब जब मैंने नाम सुना तभी मैं इंटरेस्टेड हो चुका था हल्का पुल्का, 7 अक्टूबर को इस सीरीज आया है, बट स्पेशली उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि ये एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। देखो 1994 में केविन क्रिस्टोफर फाइक ने ए नॉवेल लिखी थी द मिड नाइट क्लब, वॉज अ ग्रेट, मतलब टोटली उसी से उठाया गया है। पहले तो मेरा थॉट से चल रहा था कि कौन बहनचोदी एट अ टाइम ऑन दैट सिचुएशन कोई ऐसा चीज़ें कैसे सोच सकता है, इस टाइप की कहानी कोई कैसे सोच सकता है जब अपन द सैंडमैन सर्वाइव कर सकते हैं, इतने मज़ेदार मतलब क्रिएटिव माल देख सकते हैं, तो ये तो देखना बनता ही था क्योंकि ये उससे भी गजब है, मतलब गजब कंपेयर नहीं मारो लेकिन ये उससे बेहतर मेरे को लगा। इसके सीजन 1 के अंदर ऑलमोस्ट 10 एपिसोड हैं और इच एंड एवरी एपिसोड टोटल 50 से 55 मिनट का है, 1 मिनट 2 मिनट आगे होगा तो उसके बारे में बकचोदी मत करना। सो अब इसके ऊपर प्लॉट सेटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि ये इतनी खास क्यों है मेरे लिए, मेरे लिए क्या तुम्हारे लिए भी ये खास है लेकिन स्पेशली क्यों है। देखो बात ये है जब तुम्हें स्टोरी के अंदर भी स्टोरी दिखने के लिए मिले, जस्ट ऐसा सोचो कि बुक का कवर है और कवर के ऊपर भी स्टोरी है उसके अंदर भी स्टोरी है, इस टाइप का मटेरियल है। और सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, वहाँ पर हर एक बंदा बंदी की अपनी ही एक कहानी है, वो कहानी सुनाते हैं वहाँ पर मिडनाइट क्लब के अंदर। लेकिन गुरु इस कहानी को सोचो जरा, इस कहानी का सुनने का एक अपना ही मजा है। तो हम वास्तविकता से वो इधर उधर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन एक बात कर सकते हैं कि जस्ट इसकी प्लॉट सेटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि गुरु ये पूरा नॉवेल से अडेप्ट था, इसीलिए और भी बढ़िया तरीके से इसे विजन लगा के बनाया जा सका, लेकिन बहुत सही काम किया गया है क्योंकि सिर्फ ये एक अलग ही चीज़ नहीं दिखाती है, इसके साथ साथ हॉरर फन को भी प्रेजेंट करती है, थ्रिल को भी दिखाती है, मतलब स्पेशली हर एक मटेरियल टाइप माल तुम्हें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बहुत ही खास है। देखो सिंपल से बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया से थोड़े हट करके हैं, जस्ट सोचो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप्स के कैंसर हो जाते हैं और स्पेशली कैंसर वाली बीमारी बहुत चूतिया बीमारी होती है, गुण मार कर रख देती है, जान लेने में घुस जाती है। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी को थायराइड कैंसर हो जाता है, किसी को और भी टाइप के कैंसर हो जाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, बट हाँ उनके पास कुछ ही टाइम बचा हुआ है, उनका डेथ डिसाइड हो चुका है, भाई अब तुम इतने साल के अंदर मर जाओगे, अब अपने दिन का मौत का इंतजार करो। सोचो क्या चूतिया पगरी होता होगा उस जर्नी के अंदर। लेकिन स्पेशली वो लोग कुछ तो हॉस्पिटल में रहते हैं लेकिन कुछ लोग वहाँ से एक जगह पर आते हैं जो काफ़ी नामा जाना है क्योंकि वहाँ से कोई बचकर भी गया था। सो देखो द ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस जस्ट टाइप ऑफ हॉस्पिटल ही है, बट यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ ही लोग आते हैं। गुरु यहाँ पे आए हुए लोग अपनी लाइफ को कुछ दिन जो बचे हैं उसे खुशी से जीना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। हाँ कुछ इस उम्मीद में है असलंका नाम की लड़की, जो कुछ इस उम्मीद में है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था जो कि हाँ लिफ्ट के ऊपर स्टार्टिंग में ही फोकस कर दिया था इन्होंने, तभी मैंने सोच लिया था लिफ्ट के नीचे कुछ तो कांड है रहा है। सो वो चीज़ अपने को ऑलरेडी से हल्का फुल्का सा हिंट अप मिल चुका था, बट हाँ वो इस थॉट में आई है कुछ ऐसा चमत्कार जो काफ़ी समय पहले, काफ़ी सालों पहले जब ये ब्राइट क्लिप शुरू हुआ था उस टाइम पे ऐसा कुछ चमत्कार हुआ था कि वो लड़की अपने कैंसर से ही ठीक हो गई थी, उसकी बॉडी अपने आप उस कैंसर को ठीक करने लगा था, उसकी मांसपेशियां काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करने लगी थी। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी अपनी ही मज़ेदार तरीके की स्टोरी है और हाउ टू फेस दैट सिचुएशन आई लव्ड इट, वो ही सबसे बड़ी बात है। और स्पेशली वो मिड नाइट क्लब वो एक लाइब्रेरी रहता है, वो ऐसा क्लब नहीं रहता जहाँ पे जाकर ड्रिंक मारो दारू पियो ऐसा कुछ नहीं, हाँ वो लोग वाइन पीते हैं, नॉर्मल वाइन पीते हैं,
बट वहाँ पे ये लोग जाते हैं तो हर कोई का दिन होता है भाई तुम्हारी कहानी का दिन है, कुछ हट के सुनाओ। लेकिन उस कहानी के अंदर जो हॉररपन है ना, मज़ा ला देता है। स्पेशली इस स्टोरी में वो बटरफ्लाई क्लिप जो है, ब्राइट क्लिप जो है, वहाँ पे भी कुछ भूतिया चीज़ें हैं, कुछ राज छुपी हुई हैं। लेकिन ये लोग उसी राज को बचाना चाहते हैं, अपनी एक लड़की जो उनकी रहती है उसमें से, उसको बचाने के चक्कर में ये लोग नीचे जा करके बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, कुछ तांत्रिक मांत्रिक वाली चीज़ जिससे उसे बचाया जा सके। तो स्पेशली ये लोग कोशिश करते हैं, होता क्या है तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। देखो नेटफ्लिक्स पर आया है, हिंदी में आया है, ये सबसे बड़ी बात है। और हाँ, मज़ा आएगा यार। तो वो लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं अपनी अपनी सी, जो कहानियाँ लिखे रहते हैं उसको बताते हैं, वे काफ़ी सही तरीके से बताते हैं भाई। वो कहानियाँ सुन के भी तुम बोलोगे भाई गजब यार, मतलब जिन्होंने इसको बनाया ना उसको लिए तालियां तो बजनी चाहिए, इतना सही तरीके से इसे बनाया गया है। तो तुम अब ये सोच रहे होगे कि ये टीनेजर हैं, इसमें कुछ खास वैसे तो चीज़ें नहीं होगी, बट स्टिल ग्रुप खास खास चीज़ें हैं। प्लस हाँ, जो मैं एक्सपेक्ट लगा रहा था हल्का फुल्का किसिंग सीन्स, वो मिलेंगे तुम्हें। दो तीन लोग हैं जो किसिंग सीन्स करते हैं, टीनेजर हैं तो क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन सीजन 2 के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट में कटआउट छोड़ा अपने लिए, क्योंकि इनके जो वार्डन है, वार्डन नहीं, वहाँ की मालकिन जो है, ब्राइट क्लिफ हॉस्पिसिस की जो मालकिन है, वो अपने बालों को निकाल देती है। प्लस उसके गले पे वो साइन देखने के लिए मिलता है, वो टाइमर वाला साइन जो उसकी स्टोरी में भी था, और भी सारी चीज़ें उस बुक के में भी था। सो वो सारी चीज़ें दिखाती है, बट सीजन 2 के अंदर लोग और हट के क्या माल दिखाएंगे इसके लिए तो हम काफ़ी ज़्यादा वेटेड रहेंगे। लेकिन कुछ लोग मर रहे हैं उसमें से, क्या वो जिंदा बच पाएंगे या नहीं, इसके लिए आई थिंक अपने को देखना मांगता है सीजन 2। हाँ, सीजन 2 तुम देखो, नहीं देखना है तुम्हारी दिल करता है यार, इच्छा तुम्हारे ऊपर है, हिंदी में है इच्छा, लेकिन तुम्हारे ऊपर है। और ओवरऑल नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।